दोस्तों आज हम बात करेंगे प्यारे से जीव के बारे में। जी हाँ, ठीक पहचाना, ये इंडियन पेंगोलिन है जिसका वैज्ञानिक नाम मैनिस क्रैसिकॉर्डेटा है, जिसे मोटी पूंछ वाले पेंगोलिन और स्केली आंटीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी होता है। दोस्तों पेंगोलिन अत्यधिक अकेले रहने वाले शर्मीले स्तनधारी प्राणी होते हैं जो केवल रात को सक्रिय होते हैं, जिन्हें रात्रिचर भी कहा जाता है। एक वयस्क पेंगोलिन का भार लगभग 13 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि इनका जीवन काल लगभग 19 से 21 वर्ष तक हो सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं पेंगोलिन के दांत नहीं होते, वह इनका मुख्य आहार चींटी व दीमक जैसे छोटे जीव होते हैं। ये बिल बनाकर रहना पसंद करते हैं। दोस्तों पेंगोलिन घास के मैदानों, छोटे जंगलों, शुष्क क्षेत्रों व बंजर पहाड़ी वाले स्थानों पर रहना पसंद करते हैं। इनके निवास क्षेत्र कम होते जा रहे हैं और अंधविश्वास के कारण अक्सर इनका शिकार किया जाता है, जिस वजह से पेंगोलिन की सभी 8 जातियां एंडेंजर्ड मानी जाती हैं। दोस्तों मेल एवं फीमेल पेंगोलिन केवल प्रजनन के लिए ही मिलते हैं। फीमेल पेंगोलिन लगभग 68 दिन के गर्भकाल के बाद प्रतिवर्ष 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं पेंगोलिन के बच्चों को पेंगोपस कहा जाता है, जो अक्सर अपनी मां की पूंछ पर सवार रहते हैं। दोस्तों खतरा होने पर पेंगोलिन सुरक्षात्मक गेंद में बदल जाते हैं। ये काफी मायावी होते हैं और मनुष्यों को इन पर निगरानी रखना कठिन होता है, लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे तो ये आप पर हमला नहीं करेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं चीन एवं वियतनाम जैसे देशों में पेंगोलिन को एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में खाया जाता है। पेंगोलिन के स्केल्स का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में कथित तौर पर विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। पेंगोलिन का अवैध शिकार इनकी स्किन अथवा चमड़े के लिए भी किया जाता है, जिससे जूते, बेल्ट और बैग जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। दोस्तों हम सबको इस प्यारे से जीव को बचाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। हम आशा करते हैं आज का विषय आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।